नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड लीगल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्म्स लाइसेंस की। यदि आप कोई फायर आर्म जैसे कोई गन, रिवॉल्वर, राइफल या कोई बंदूक को परचेस करना चाहते हैं, तो परचेस करने से पहले आपको उसका लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यदि आप बिना लाइसेंस कोई हथियार अपने पास रखते हैं तो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आपको सजा हो सकती है। तो लाइसेंस प्राप्त करने से पहले लाइसेंस अथॉरिटी कौन होगी, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, लाइसेंस प्राप्त करने का प्रोसीजर क्या है और आमतौर पर इसमें कितना समय लगता है, इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत में आर्म्स लाइसेंस प्राप्त करने का प्रोसीजर आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अनुसार सिर्फ 3 कंडीशंस में ही आर्म्स लाइसेंस दिया जा सकता है। पहला, सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए। यदि किसी व्यक्ति के स्वयं के जान, माल या संपत्ति को खतरा है या वह किसी दूसरे व्यक्ति की जान, माल या संपत्ति की रक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस चाहता है तो वह आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। दूसरा, स्पोर्ट्स यानी खेल कूद के लिए। और तीसरा, क्रॉप प्रोटेक्शन यानी अपनी फसलों की रक्षा के लिए। तो इन 3 कंडीशंस में ही कोई व्यक्ति आर्म्स लाइसेंस की प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है। आर्म्स लाइसेंस की प्राप्ति के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म जरूरी दस्तावेजों के साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा कराया जाता है। दिल्ली में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ADCP यानी एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी DCP लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, और जो साधारण जिले हैं यानी सिंपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें DSP यानी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इन दोनों में से कोई एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर डिस्क्राइब करेगी, डिफाइन करेगी। एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपके फॉर्म को वेरीफाई करती है, जिसमें वो आपका पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी आपका पास्ट आपराधिक रिकॉर्ड देखती है। इसी के साथ वो आपकी जरूरत के पहलू पर भी विचार करती है कि आखिर क्यों आपको आर्म्स लाइसेंस चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी कंसिडर करती है और उनके बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार करती है, जो रिपोर्ट क्राइम ब्रांच और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजी जाती है। सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद और यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई है तो 60 दिन के अंदर अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा आपको आर्म्स लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। एक आर्म्स लाइसेंस पर लाइसेंस होल्डर 3 हथियार यानी 3 बंदूक के अपने पास रख सकता है। आर्म्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है वह लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऑफिस से लाइसेंस होल्डर प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ इसे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेज अटैच किए जाते हैं, जिनमें लाइसेंस होल्डर का राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उसकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि उसके लोकेलिटी के 2 लोगों द्वारा अटेस्ट किया जाना चाहिए, उसका फिजिकल सर्टिफिकेट, उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसका प्रूफ ऑफ एज और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पज यानी क्यों उसे आर्म्स लाइसेंस चाहिए, इसका ब्यौरा। यदि कोई व्यक्ति बिना आर्म्स लाइसेंस अपने पास हथियार रखता है तो वह एक दंडनीय अपराध है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति बिना आर्म्स लाइसेंस के कोई हथियार अपने पास रखता है तो उसे 3 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये थे आर्म्स एक्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।